भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को नमस्कार। राम राम। मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी, बेणेश्वर धाम की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा, इसके लिए आप सभी का मैं सिर झुका करके वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप, बंसिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की ये भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्राण ले रही है। चारों तरफ मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, हिंदुस्तान के जिस जिस कोने में पहुंचा हूं अब तक, चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पूरे वागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे वागड़ का भाजपा के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए। और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है।
और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें, बताओ? कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना, 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। भाइयों और बहनों, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर के समर्पण भाव से काम कर रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिन 3 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उनमें से बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी परिवार है। आप मुझे बताइए भाइयों, 10 साल में 2 जिले में 3 लाख पक्के घर, ये काम छोटा है क्या? छोटा है क्या? गरीबों की चिंता की कि न की? आदिवासियों की चिंता की या न की? यहां बांसवाड़ा में 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। जब नल से जल आता है ना, तो माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? और माताओं बहनों के आशीर्वाद जिस पर होते हैं जीवन में, उसको कोई तकलीफ होती है क्या? यही मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 5 लाख से अधिक बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला गैस मिली है। अगर रोज खाना पकाना हो, धुएं से जिंदगी गुजारनी हो, और जब धुएं में कोई मां खाना पकाती है ना, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है। 400 सिगरेट का धुआं, उस मां की चिंता कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? ये बेटा करेगा। और इसीलिए गैस के चूल्हे दिए।
कोरोना के समय हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी। दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन संकट में मुझे सबसे पहली याद मेरे आदिवासी भाई बहनों की आई, मेरे गरीब परिवारों की आई, मेरे दलित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़ों की याद आई। और मैंने, मुझ पर दबाव था, कोरोना के समय के अखबार निकाल के देख लीजिए, ये कांग्रेस में बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं मुझ पर दबाव डालते थे कि रुपये दो उद्योग वालों को, रुपये दो अलग अलग काम करने पर, वरना बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोग भूखा मरेंगे। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी, किसी भी धनी आदमी को मैंने एक रुपया नहीं दिया, अगर मैंने दिया तो गरीब को मुफ्त राशन दिया, तिजोरी खाली कर दी, लेकिन मैंने पक्का किया कि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए, गरीब की मां के आंख में से कभी आंसू नहीं टपकना चाहिए। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है, और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं, आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसका सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी परिवार को, मेरे दलित परिवार को, मेरे पिछड़े परिवारों को हुआ। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए, यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे देगी, आर्थिक मदद करेगी, जितनी जरूरत है उतनी बिजली फ्री आप 0 बिल से खुद उपयोग करो, और अतिरिक्त बिजली है तो सरकार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। ये काम मोदी हर बार कोई न कोई नया काम आपकी सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव प्रचार में जाते होंगे, जाते हैं, लोगों को मिलते होंगे, मिलते हैं, तो मेरा एक काम करोगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे, अभी जब आप प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में एक आध दो ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, एक आध दो परिवार मिल जाए जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा, कुछ परिवार मिल जाए जिनको अभी पक्का घर नहीं मिला होगा, कुछ परिवार ऐसे होंगे पहले की तुलना में अब 2 परिवार बन गए होंगे और घर की जरूरत होगी, तो मेरा एक काम करना है, उनको बता देना कि मोदी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद, मैं उनके ये अधूरे काम भी पूरे कर दूंगा। ये मेरी गारंटी पहुंचा दोगे, जो भी सुविधाएं मिलने के लिए वो योग्य पात्र हैं और अब तक अगर पहुंची नहीं, कुछ लोग छूट गए हैं, तो मोदी उनकी भी गारंटी लेता है।
साथियों, आप में से जो लोग भी मेहनत करते होंगे, नौकरी करते होंगे, कमाते होंगे, आपके परिवार में बुजुर्ग होंगे, बूढ़े मां बाप होंगे, नाना नानी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। अब आप इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, लेकिन परिवार में बुजुर्ग मां बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है, और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होना होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है। और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल के ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग को, उच्च, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा, सरकार उसका जिम्मा लेगी। भाई और बहनों, मैं माता त्रिपुरा सुंदरी को नमन करते हुए माताओं बहनों को भी मोदी की एक बड़ी गारंटी याद दिला रहा हूं। लखपति दीदी अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है। अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हमारी बेटियां खेलों में खूब आगे बढ़े, इसके लिए भी विशेष कार्यक्रम, विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। यहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जो बहनें हैं, उनके लिए आने वाले 5 साल सुख समृद्धि के होने वाले हैं। भाजपा ने इन समूहों से जुड़ी बहनों को विशेष ट्रेनिंग का ऐलान किया है, ताकि वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों से जुड़ सके। बिना गारंटी का ऋण देने वाली मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है। इसका फायदा भी मेरी माताओं बहनों को भी होगा। साथियों, भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया, आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है, और इसीलिए इनका जुट नहीं चल पा रहा है। आज देखिए, देश भर में जिन जिन राज्यों में आदिवासी आबादी अधिक है, वहां कांग्रेस या तो सत्ता से बाहर है, या फिर तीसरे चौथे नंबर पर है। साथियों, कांग्रेस के विरुद्ध यह आदिवासी समाज का आक्रोश है, इस आक्रोश के ठोस कारण है। आप मुझे बताइए, जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी आदिवासी समाज था या नहीं था?
आदिवासी समाज था कि नहीं था? देश गुलाम था तब भी आदिवासी समाज था कि नहीं था? प्रभु रामचंद्र के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? लेकिन तो कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई मंत्री मिनिस्ट्री बनाने का मन नहीं कर गया, बजट बनाने का मन नहीं कर गया। ये अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना, अलग बजट बना। करोड़ों आदिवासी बेटे बेटियों में से कांग्रेस को 60 वर्षों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो देश का राष्ट्रपति बन सके। क्या आदिवासी समाज में क्षमता नहीं थी क्या? जरा सोचिए कांग्रेस की क्या मानसिकता है। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया, आज देश की पहली नागरिक, हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक बेटी है। यही असली भागीदारी है, यही बाबा साहेब के दिए संविधान की स्पिरिट है। पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन उनका विरोध किया। साथियों, ये भाजपा ही है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज की भूमिका को स्वीकार, उनके लिए समर्पित म्यूजियम बनवाए हैं। ये भाजपा ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और अब तो भाजपा ने ऐलान किया है कि अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती को जनजातीय गौरव अभियान के रूप में पूरे वर्ष भर हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया जाएगा। और मुझे पता है, जब मैं ये बातें बताऊं ना तब कांग्रेस वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता होगा। साथियों, कांग्रेस जैसी पार्टियों की आपकी परवाह नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। आप सारे कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वो अपने संतानों के लिए ही लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन के सारे लोग अपने बच्चों को फिट करने में लगे हैं। और मोदी क्या कर रहा है? मोदी आपके संतानों के भविष्य के लिए खप रहा है। आपके संतानों के लिए भविष्य के लिए बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब आप देखिए, माता को गर्भ के दौरान अच्छा भोजन मिले, इसके लिए भाजपा सरकार हर गर्भवती मां को 6000 रुपया दे रही है। आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए मिशन तेज गति से चल रहा है। इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 2.5 करोड़ से अधिक आदिवासी साथियों की मुफ्त जांच की जा चुकी है। दवाई के साथ साथ आदिवासी युवाओं की पढ़ाई और कमाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। 10 सालों में आदिवासी बच्चों के लिए हमने 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। भाजपा का संकल्प है कि इनको हम 750 तक ले जाएंगे। हमने 24,000 करोड़ रुपए की योजना उन जनजातियों के लिए भी बनाई है जो आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े हैं। इसमें राजस्थान की भी, हमारी सहारिया जैसी कौम, सहारिया जैसी जातियां, उनको हमने प्राथमिकता दी है। साथियों, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों?
जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो, यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है, कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है? क्या क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। साथियों,
कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं और उनको ठिकाने लगा करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। अब इनको ये भी मालूम नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है। अबे घूमते फिरते हम कानून बनाएंगे, ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने वागड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना, ये मोदी की गारंटी है। हमने रतलाम डूंगरपुर रेल लाइन को वाया बांसवाड़ा से जोड़ने का काम शुरू करवाया। इस काम को भी कांग्रेस ने बरसों तक लटका कर रखा था। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामला जी गुजरात के साथ जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से भी बहुत फायदा हो रहा है। उदयपुर में कनेक्टिविटी सुधारने के बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें हाईवे, रेलवे के कई प्रोजेक्ट शामिल है। बांसवाड़ा में पावर प्लांट भी बन रहा है। 4 जून के बाद ऐसे हर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथियों, बीते साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 फॉर 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और इसके लिए 26 अप्रैल को भारी मतदान जरूरी है। बांसवाड़ा से हमारे साथी भाई महेंद्र मालविया, उदयपुर से मन्नालाल रावत संसद पहुंचेंगे तो मोदी के मिशन को मजबूत करेंगे। और हां, आपको बागीदोरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष तमोलिया जी को भी अपना प्रचंड समर्थन देना है। आप घर घर जाना और सबको कहना मतदान अवश्य करें। कहेंगे मतदान करने के लिए कहेंगे? अब मुझे बताइए, हमें लोकसभा भी जीतनी है, ये असेंबली का चुनाव भी जीतना है, लेकिन ये जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा। करेंगे? मतदान करने के लिए जाएं तो गांव में, बूथ में एक पूरा उत्सव का वातावरण बनाइए। गाने गाते गाते सब माताएं बहनें वोट करने के लिए जाए, सामूहिक रूप से जाए, देखिए एक माहौल बन जाएगा, लोकतंत्र का उत्सव बन जाएगा। और दूसरा काम, हर किसी का एक ही संकल्प होना चाहिए, हम हमारा पोलिंग बूथ जीत के रहेंगे। हमारा पोलिंग बूथ हम हारेंगे नहीं, हमारे पोलिंग बूथ में हम भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। इसकी चिंता करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? क्यों ठंडे हो गए? ये मालविया जी के लिए कहा तो सबने कहा करेंगे, अब मैं कह रहा हूं मेरा काम करेंगे तो ठंडे पड़ गए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर घर में जो भी बुजुर्ग हो उनको कहना, अपने मोदी भाई
बांसवाड़ा आए थे और मोदी भाई ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर परिवार को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।